30 अगस्त आज बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज मेरे को जाना है एयरपोर्ट और आपको जो दिखाने वाला हूँ एयरपोर्ट सबसे बिजी हुए पे सबसे कम खर्च में कैसे जाते हैं। तो आपको अगर मेट्रो से आना है तो आपको सामान से अरक वैली पे उतरना है 300 अरक वैली पे और यहाँ पे उतरने के बाद आपको लेना है बस। सो अभी बस स्टैंड पे मैं जिस बस के लिए वेट कर रहा हूँ वो है 337 जो कि डायरेक्ट एयरपोर्ट जाती है और अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ से आपको खर्चा होगा सिर्फ 6 रुपये इंडियन रुपीज़ 6 रुपये में आपको खर्चा होगा और आप पहुँच जाओगे एयरपोर्ट। अगर इसमें जो दिखा रहा है 337 अभी भी 12 स्टॉप दूर है, 12 स्टॉप मतलब 12 से 15 मिनट बाद ही आएगी ये, तब तक वेट करना है। और पीछे बाथरूम का बोर्ड लगा हुआ है, क्या मस्त ये व्यू है। तो एयरपोर्ट जाने में मेरे को बस खर्चा हुआ इंडियन 6 रुपये और 6 रुपये में एयरपोर्ट पहुंच गया और आते टाइम मैं टैक्सी लेके फिर वापस आ रहा हूँ। फिर मैं थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया और रेस्ट करके निकल पड़ा। कहाँ? आपके सामने देख सकते हो। मैं अभी जा रहा हूँ रोप वे लेके ऊपर तिबलिसी के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जहाँ से पूरा तिबलिसी दिखता है, फ्लोर तो नहीं बोलना चाहिए, टॉप जगह। और ये जो सामने देख रहे हो ये है तिबलिसी बोटनिकल गार्डन जो कि ना यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जिप क्लाइम करते हैं। जिप रोप पे यहाँ पे जो प्राइस है 60 लारी करके ईच पर। और यहाँ से जो शहर दिख रहा है एक नंबर, बहुत ही खूबसूरत ये शहर दिख रहा है। फिर वहाँ से मैं निकल के आया और के पूरे दिन इतने बिजी था, फिर गया मैं क्रॉनिकल्स। एक भैया आए थे फिर उन्होंने बोला कि मुझे क्रॉनिकल्स देखना है और मेरे जो फ्लैट है फ्लैट से बिल्कुल पास है क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। फिर वहाँ पे हम लोग क्रॉनिकल्स देखे और यहाँ का जो सनसेट, वाव। और ये देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रॉनिकल मॉन्यूमेंट जो कि ना ये मैन मेड है और क्या बढ़िया तरीके से बनाया गया है। जॉर्जिया में कोई भी आ रहा है तो हर किसी को रिकमेंड है कि क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया ज़रूर आए, आपको यहाँ पे आके एक अलग सी शांति मिलती है, मेरे को तो मिलती है। और यहाँ से जो सिटी व्यू दिखता है वो तो अलग ही बात है, मैं वो भी दिखाऊँगा थोड़ी देर में। मगर आप देखो ये देखो 360 वे में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ है तो। तो एक लाइक कर दो फिर मैं और भी चीज दिखाता हूँ आपको। August 31st अगस्त भी खत्म हो रहा है और आज मैं गया था स्टेशन स्क्वायर, मैं कुछ कुछ सामान लेके आया हूँ जो कि ना बहुत नेसेसरी है फ्लैट के लिए। और आप लोग भी ध्यान से देखना इस चीज़, अगर कोई आ रहा है फ्लैट में ये सब चीज़ नेसेसरी है और क्या कितने प्राइस में मिलता है, कैसे दुकान है, सबके बारे में बताता हूँ। तो चलिए पहले प्राइस शुरू करते हैं। ये ओनर ने दिया है, वैसे इस फैन का प्राइस है 30 लारी और जॉर्जिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइक बाहर देख सकते हो धूप कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए फ़ैन तो लेना ही पड़ता है। तो ये 30 लारी का है और मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उससे मल्टीप्लाई करना 30 से। सबसे छोटी चीज़ ये है, यह है हैंगर जो कि स्टिक हैंगर, ये दोनों मेरे को 2-2 लारी के 4 लारी में पड़ा है और 12 है 12 4 लारी में। और ये लेके आया हूँ एक ग्रिल है, पनीनी मेकर जैसे लिखा हुआ है इस पर, ये एक्चुअली ग्रिल शॉर्मा बनाने के लिए, अगर घर पे एक शॉर्मा बनाना होगा तो ये 40 लारी का लिया है और 40 लारी में बहुत ही बढ़िया डील मिला है। बाकी अगर कंपनी ये मैक्स वॉश कंपनी भी अच्छा है और इसका मैंने कहीं और भी देखा था तो वहाँ पर जो प्राइस था उसका प्राइस था 50 करके, सो ये 40 में मिला मेरे को। और ये हमारा आयरन है जो कि नेसेसरी है और ये मिला है 35 में। ये है रूम फ्रेशनर जो कि 4 लारी में मिला है हमें। और ये है बाथरूम क्लीनर जो कि 10 लारी में मिला है। ये फुट मैट है, ये 10 लारी का एक मिला है। ये वाटर बॉयलर है जो कि ये है 35 का। और ये फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन बहुत ही बढ़िया, लाइक इसमें खाना भी सब्जी भी बना सकते हैं ऐसे नॉर्मली। ये स्टेनलेस स्टील का है ऊपर से और ये नॉन स्टिक ही है, सो इसका भी प्राइस हमें बहुत अच्छे से मिला है, 30 में मिला है इसको, 35 का था ऑफर में 30 में मिला है। और ये है ऑयल जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ मतलब मिलता है, ये है सनफ्लावर ऑयल और ये 3 लारी का है, 3.5 लारी का है। और ये फ्रिज का पूरा सामान आज लेके आया हूँ और सो फ्रिज में पहले बात करते हैं कोक के, तो ये 3 लारी का मिलता है यहाँ पे। ये जो है ये भी 3 लारी का मिलता है, ये पल्पी, ये छोटा है मगर ये भी 3 लारी का है। कोक जो है ये 2 लारी का मिलता है
और साथ में स्प्राइट, ये भी 3 लारी का है। जूस ये मेरे को ऑफर में मिला, ये 3.5 लारी का मिला है, वैसे मिलता है 6 लारी का। ब्रेड यहाँ पे मिलता है 1 लारी का, सो ये है 1 लारी वाला ब्रेड। दही मिलता है कुछ ऐसे 3.2% के साथ, ये मिला है 1.6 में, और इसका 2 रेखा है। और यहाँ पे मिलता है मिक्स वेज, जो कि ना ये है मिक्स वेज में, इसमें भी सारे वेज है नहीं वेजिस, फिर जितना है ये मिला है 5 लारी में। सो ये अंडे के भी लेके आया था ट्रे, ये था 4 लारी का, और इसमें पूरा भरा हुआ है जो कि ना सब्जियां देख सकते हो। प्याज यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब ही है, टमाटर का भी इंडिया वाला हिसाब ही है, और कुकुम्बर लेके आया था, कुकुम्बर ये 0.5 का है जिसमें इसमें टैग लगा हुआ है। ज़्यादा महंगा नहीं है सब्जी इस टाइम पे, समर के टाइम पे। सो ये सारे सामान था, अभी सोच रहा हूँ इसका उद्घाटन करते हैं, मैगी बनाते हैं, जो कि इंडिया से आरूबा मैगी भी लेके आई है, और हिमांशु भी आया है कल रात से यहीं पे है। सो अभी मैगी बनाते हैं, और साथ में ये लास्ट आइटम चॉपिंग बोर्ड, जो कि ना मेड इन चाइना लिखा हुआ था, गलत ले आया। तो अभी बनेगी मैगी, मैगी के लिए पानी रख दिया है, सब कुछ दिखा दिया, मगर एक चीज़ दिखाना भूल गया, वो है मेरा फेवरेट चीज़, ये देखो चाकू। ये चाकू से अगर किसी को मारा जाए ना, वो मर भी जाएगा, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से काट सकते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वैसे बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चाकू, और इसको लेके आया मैं चिकन काटने के लिए, मोस्टली चिकन इसी से काटेंगे, और बहुत बड़ा है तो, और दिखने भी बहुत अच्छा लगा है, इसमें डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ तासमिंदा पार्क। तासमिंदा पार्क ये है, तासमिंदा पार्क का मेन गेट, यहीं पे बस रुकती है, और बस नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। तासमिंदा के अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहले दिखता है ये जायंट व्हील, और इस जायंट व्हील के लिए मैं आया हूँ। मेरा एक ही चीज़ है कि तासमिंदा जगह इस जायंट व्हील पे बैठना है, और सनसेट देखना है इस जायंट व्हील पे बैठ के, जो कि ना हमने टिकट भी ले लिया है, और हम ऊपर जाएंगे और देख सकते हो क्या खूबसूरत ये समा, ये पल, ओहो। इंडिया में कभी भी मैं आज तक ये जायंट व्हील पे नहीं बैठा हूँ, या फिर जो मैरी गो राउंड होता है इस पर कभी नहीं बैठा हूँ। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो करने वाला हूँ वो भी जॉर्जिया से, और इतना बड़ा ये व्हील है मैं क्या ही बताऊँ। ये जब जाती है ऊपर, ये बहुत ही स्लोली जाती है, लाइक इसमें कोई तेज़ी नहीं है, जैसे इंडिया में मिलता है ना कि 10 चक्कर 20 चक्कर, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे जाती है, मगर ऊपर जाने के बाद ये जो व्यू दिख रहा ना, इस व्यू के लिए मैं आया हूँ। वाओ, जस्ट अभी सनसेट हुआ है, और ये देखो सामने हमारा ऐसा है, और हम लोग अभी सबसे टॉप पे। सो टॉप पे होने के लिए हमें जी, मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा, मगर मेरे साथ हिमांशु था, और आरूबा थी, और एक भैया थे। सो उनको, उनमें से भी बस हिमांशु को डर लग रहा था, बाकी इन हम तीनों को कोई डर नहीं लग रहा था। मैं पहली बार सबसे इतना ऊँचाई पर हूँ, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे तक यहाँ से पूरा शहर दिख रहा था, इतना ज़्यादा ऊपर थे हम लोग। लाइक ये अगर वर्टिकली देखा जाए तो हम लोग मेन जो सिटी है उससे कुछ 2 किलोमीटर, मतलब 2200 मीटर हम लोग ऊपर थे, और 2200 मीटर बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। सो हम लोगों का जो सामने एक टीवी टावर है, ये भी यहाँ पे अभी इस टाइम लाइट जलता है, जो कि ना मैं अभी दिखाता हूँ, ये जस्ट अभी लाइट अप हुआ है, और ये है तिबलिसी का टीवी टावर, यहाँ से पूरे तिबलिसी का
टीवी का सिग्नल जाता है। फिर वहाँ से हम लोग नीचे आए और धीरे धीरे वॉक करते हुए हम लोग आए शहर का नज़ारा देखने। मगर वो जो सामने देख रहे हो, हमने सोचा था कि वो कोई बलून होगा, मगर वो पता चला आज फुल मून है। तो आज फुल मून के लिए फुल मून था वो, और ये तासमिंदा का कार्ड जो कि सबसे पहले दिखाना चाहिए था मगर मैं भूल गया। कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। सो व्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं होता, और भी है। रुको, ये जो कार्ड मैं दिखा रहा हूँ इसके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है फेरी व्हील पे, और जो फिनिकल जो एक व्हील है उस पे जाना है। ट्रेन जैसा है, और ट्रेन जैसा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेन भी नहीं है और ट्रेन जैसा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ट्रेन जैसा दिखता है, मगर उसमें जाने में बस नीचे जाती है और ऊपर आती है फिनिकल। तो वो है एक अलग ही राइड। लाइक ये देखो, लेफ्ट साइड देख सकते हो, ये है वो फ्यूनिकल, इसमें राइड करना है। और इसके लिए मैं सबसे टॉप सीट जो है, मतलब सबसे फ्रंट सीट जो है उस पर बैठूँगा। और फ्रंट सीट पे बैठने के लिए ये होगा कि यहाँ से ना पूरा दिखेगा कि एंड तक। और ये देखो अंदर का कुछ व्यू ऐसा है, नज़ारा ऐसा है, और ये जस्ट छूट जाए, छूट ही नहीं रही है क्योंकि अभी तक भरा नहीं है। और जब भर जाएगा ये चलेगी ना, वो हो देखने में क्या खूबसूरत लगती है। मगर मैं वेट कर रहा हूँ कब ये खुले और कब मैं नीचे जाऊँ और कब मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। वैसे हल्की हल्की ये छूटने लगी है, और इसमें सामने, बिल्कुल सामने मैं बैठा हूँ, और मेरे पीछे जो सेम टाइमिंग, वो भी इधर से आ रही है, बस दोनों यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। I'm 29 and I find myself